देश के सभी राजनीतिक दल इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल को लेकर हर रोज नई खबर सामने आती रहती है। इसी बीच एक खबर सामने आ रही है कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने अभी से अपना सियासी दांव खेलना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव 2014 के जरिए चौधरी परिवार की बहू चारू चौधरी भी राजनीति में एंट्री ले सकती है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी अपनी पत्नी चारू चौधरी को ब्रज क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं और वो मथुरा फतेहपुर सिकरी और हाथरस में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। रालोद मथुरा और फतेहपुर लोकसभा सीट से अधिक हाथरस सीट को सुरक्षित मानती हैं, क्योंकि इस सीट पर साल 2009 में रालोद की सारिक बघेल ने चुनाव जीता था। हालांकि चर्चा ये है कि चारू चौधरी मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। साल 2009 में चुनाव में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने भी इस सीट पर अपनी जीत हासिल की थी। जयंत चौधरी ने 2009 चुनाव में बसपा के श्याम सुंदर शर्मा को हराया था। अब जयंत चौधरी मथुरा से अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। वहीं रालोद के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चाहर ने कहा कि टिकट किसको मिलेगी ये तो हाईकमान तय करेगा, लेकिन रालोद कार्यकर्ता अभी से तैयारी में जुट गए हैं। इस समय मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी की हेमा मालिनी सांसद हैं और उन्होंने पिछले दो चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है, जहां साल 2019 के चुनाव में हेमा मालिनी ने रालोद के कुंवर नरेंद्र सिंह को हराया था, तो वहीं साल 2014 के चुनाव में रालोद मुखिया जयंत चौधरी को हराया था। इस समय मथुरा की पांचों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में रालोद को बीजेपी को टक्कर देना काफी मुश्किल होगा। हालांकि बीजेपी के खिलाफ पिछले दो चुनाव में रालोद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे हैं। चारू और जयंत चौधरी ने साल 2003 में शादी की थी और चारू चौधरी फैशन डिजाइनर हैं। चारू ने उच्च शिक्षा GPDC दिल्ली से प्राप्त की है और उन्होंने जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से भी पढ़ाई की है। इसके साथ ही चारू शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखती हैं।